काम करें। आज वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, देश ही नहीं दुनिया में भी भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि विश्व के किसी भी देश को टीके के मामले में भारत की मदद की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया का आधे से ज्यादा टीका हिंदुस्तान में ही बनता है। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने देश के कई मशहूर जानकार से बातचीत की। सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। ये वैक्सीन सेफ है, ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बड़े मिनिमल होंगे। ज्यादा से ज्यादा हल्का सा बुखार आ जाएगा जो एक दो दिन रहेगा, या थोड़ा सा लोकल साइड के ऊपर रेडनेस हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, या थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। इससे ज्यादा इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये ट्रायल्स में से गुजर के आई है, एक अग्नि परीक्षा दे के आई है। तो ये वैक्सीन जो है ये इन ट्रायल्स के ग्राइंड से निकलने के बाद में इसको अप्रूव किया गया है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। भ्रमित बिल्कुल मत होइए और भ्रम में आने की कोई जरूरत नहीं है। इम्पोटेंस का इस वैक्सीन से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है।